हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 31 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो के लास्ट में आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव थाट से। एन एरो कैन ओनली बी शॉट बाई पुलिंग इट बैकवर्ड। वैन लाइफ इज ड्रैगिंग यू बैक विद डिफिकल्टीज, जस्ट इमेजिन दैट इट्स गोइंग टू लॉन्च यू इन टू समथिंग ग्रेट। तो जिस तरह एरो को चलाने के लिए हमेशा पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह लाइफ में अगर आपको कहीं असफलता मिलती है या आपको कहीं लगता है कि आप लाइफ में पीछे जा रहे हैं, तो हिम्मत मत हारिए, जस्ट बी पॉजिटिव और हमेशा यही सोचिए कि आगे कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो ये अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। IMF ने COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए आपातकालीन धन के रूप में दक्षिण अफ्रीका को 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। हाल ही में SBI कार्ड ने IRCTC के साथ सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। हाल ही में आदित्य नाम की भारतीय फेरी ने प्रतिष्ठित गुस्टेव ट्रोव अवार्ड जीता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2020 मनाया गया। हाल ही में एन सिवारमन को ICRA लिमिटेड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक के लिए थीम AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डेकेड रखी गई। हाल ही में हुए भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों के संवाद की मेजबानी नई दिल्ली ने की है। 2 GW की क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में बनाया जाएगा। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस द्वारा किसानों के लिए बहुत जरूरी है नाम का फसल बीमा अभियान शुरू किया गया है। पर्यावरण नियमों के उल्लंघन से संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के प्रमुख के रूप में अनिल कुमार झा को नियुक्त किया गया है। गुजरात ने वहां के औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने COVID-19 के कारण 4 टूर्नामेंट ताइपे ओपन, चाइना ओपन, जापान ओपन और कोरिया ओपन को रद्द किया है। ICICI बैंक दुनिया का सबसे लोकप्रिय स्टॉक बन गया है। स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट लेने वाले इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज बने और भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को जलवायु परिवर्तन पर एंटोनियो गुटेरेस के नए युवा सलाहकार समूह में सदस्य बनाया गया है। तो आइए अब मूव करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, विच न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कौन सी नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है? तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है और उस पॉलिसी का नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इस यूनियन कैबिनेट के चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और इन्होंने अभी अप्रूवल दिया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस करेगी 34 साल पुरानी पॉलिसी जिसका नाम था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ओके, ये बनी थी 1986 में और अब इसको रिप्लेस करेगी 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 21वीं सदी की पहली एजुकेशन पॉलिसी है जो कि स्कूल लेवल पे या हायर एजुकेशन लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसको अलाइन किया गया है 2030 के एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नई एजुकेशन पॉलिसी के। तो जो पुराना 10+2 का फॉर्मेट था इसे चेंज करके अब 5+3+3+4 फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। उसके अलावा जो पहले एजुकेशन का बजट था वो GDP का 4.43% था लेकिन अब GDP का 6% खर्च किया जाएगा एजुकेशन में। उसके अलावा जो सारे कोर्सेज हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा जो कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं तो सारे कॉलेज के लिए एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कर दिया गया है और उसके साथ ही जो कोडिंग लेसन्स होते हैं अब 6th क्लास से ही अवेलेबल रहेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नई पॉलिसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग फॉर फरवरी जून 2020 के लिए ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला आकांक्षात्मक जिलों की सूची में सबसे ऊपर है? तो छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है इसका नाम है बीजापुर। ओके, तो बीजापुर रहा है टॉप में जो ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग थी फरवरी जून 2020 की उसमें। तो डेल्टा रैंकिंग को लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। ओके,
नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ये फुल फॉर्म है नीति का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया था डेल्टा रैंकिंग फरवरी और जून 2020 तक का। तो इसी लिस्ट में टॉप किया है छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम है बीजापुर। ओके, बीजापुर के बाद सेकेंड रैंक में था मेघालय का रिभोई डिस्ट्रिक्ट और थर्ड रैंक में था उत्तर प्रदेश का बहरायच डिस्ट्रिक्ट। ओके, रिभोई सेकेंड था और बहरायच थर्ड था। बात करें नीति आयोग की, तो इसके चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर इंडिया के श्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ के सीईओ हैं अमिताभ कांत जी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड $3 million ग्रांट टू इंडिया टू कॉम्बैट COVID-19? किस संगठन ने COVID-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को $3 million की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB ने इंडिया को $3 million की मंजूरी दी है ताकि वो COVID-19 में लड़ने में और सक्षम हो सके। इसको दिया गया है ADB के एशिया पैसिफिक डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड में से। ओके, ADB के एशिया पैसिफिक डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड यानी कि APDRF के अंडर में दिया गया है और इसको फाइनेंस किया है जापानीज़ गवर्नमेंट ने। बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में, इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में और प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। ओके, मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉरपोरेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ IIT कानपुर इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी? किस निगम ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी के लिए IIT कानपुर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने IIT कानपुर के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये एग्रीमेंट साइन क्यों किया गया है? तो जो स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी है उस फील्ड में ट्रेनिंग देने के लिए, वहाँ रिसर्च करने के लिए और वहाँ के जो एंटरप्रेनर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। इसके अलावा स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए जो IIT कानपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर है रिसर्च के लिए, उसका डेवलपमेंट भी इसी एग्रीमेंट के द्वारा कराया जाएगा और इसके लिए PFC जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लगभग 2.38 करोड़ रुपये का असिस्टेंस देगी। तो IIT कानपुर के चेयरमैन हैं के राधाकृष्णन, डायरेक्टर हैं प्रोफेसर अभय करंदीकर और ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ओके, कानपुर के कल्याणपुर डिस्ट्रिक्ट में। और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो यहाँ के चेयरमैन और MD हैं रविंदर सिंह ढिल्लन और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस? किस मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने अनाउंस किए हैं इस साल के नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस। तो आइए देखते हैं किसको कौन से अवार्ड दिए गए हैं। तो उसके पहले देखते हैं कि ये दिया किसे जाता है अवार्ड। तो अर्थ सिस्टम साइंस के फील्ड में जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, तो उनके साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसके साथ ही जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है वो अलग अलग वुमेंस को या यंग रिसर्चर्स हैं इनको भी इनक्रेज करता है ताकि वो अर्थ सिस्टम साइंस के फील्ड में आएँ और यहाँ अपना योगदान दें। तो पहला अवार्ड था लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड, ये दिया गया है प्रोफेसर अशोक साहनी को। उसके अलावा नेशनल अवार्ड फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर एस सुरेश बाबू को। उसके बाद था नेशनल अवार्ड फॉर जियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दिया गया NV चालापथी राव को। उसके बाद है नेशनल अवार्ड फॉर ओशन टेक्नोलॉजी, ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर MA आत्मानंद को। उसके बाद था अन्नामनी अवार्ड फॉर वुमेन साइंटिस्ट, ये दिया गया डॉक्टर लिदिता DS खांडेपारकर को। उसके बाद था यंग रिसर्चर अवार्ड, ये दिया गया डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को। और उसके बाद था नेशनल अवार्ड फॉर ओशियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये दिया गया डॉक्टर VVSS शर्मा को। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने MOES यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया है जिसके तहत ये जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़ हैं इनको डिजिटल फॉर्म में एक टॉप नॉच नॉलेज रिसोर्स सेंटर में कन्वर्ट कर रही है। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। और यूनियन मिनिस्टर हैं अर्थ साइंस के हर्षवर्धन जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन वॉज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस तारीख को मानव तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो अभी 30 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, और इस साल की थीम थी कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, डेट के साथ थीम भी याद रखिएगा। इस साल की थीम थी कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू इंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो यह दिन मनाया जाता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, साथ ही जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम होते हैं, जिनकी तस्करी होती है, तो उनके राइट्स का प्रोटेक्शन करने के लिए और उनके बारे में प्रमोशन करने के लिए। तो इसीलिए हर साल यूनाइटेड नेशंस द्वारा 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया के वियना में, और इसका फाउंडेशन हुआ था 1997 में। तो जुलाई के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, आइए एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 1 जुलाई को मनाया गया नेशनल डॉक्टर्स डे, फिर था नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, फिर था कनाडा डे, और उसके बाद आया चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। फिर था 2 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड UFO डे, 4 जुलाई को मनाया गया USA's इंडिपेंडेंस डे, उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे जो कि जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है, और इस साल पहला सैटरडे था 4 जुलाई को। नेक्स्ट है 6 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड जूनोसिस डे, 10 जुलाई को मनाया गया नेशनल फिश फार्मर्स डे, 11 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड मलाला डे, 15 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 17 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 18 जुलाई को मनाया गया नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, 20 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड चेस डे, 21 जुलाई को मनाया गया स्पेस एक्सप्लोरेशन डे, 22 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड ब्रेन डे, 23 जुलाई को मनाया गया नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, फिर 26 जुलाई को मनाया गया कारगिल विजय दिवस, उसके बाद 28 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, उसके बाद 29 जुलाई को मनाया गया इंटरनेशनल टाइगर डे, और अभी हाल ही में 30 जुलाई को अब मनाया गया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं मंथ के, तो कोशिश करिए उनको एक लाइन से सीरियल वाइज याद रखने का, तो आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट एन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट नेम्ड ग्रीन एग्रीकल्चर हैज़ बीन लॉन्च्ड। हाल ही में ग्रीन एग्रीकल्चर नामक कृषि परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तभी हाल ही में मिजोरम में लॉन्च किया गया है एक एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जिसका नाम है ग्रीन एग्रीकल्चर। तो इस प्रोजेक्ट की फंडिंग की गई है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF के द्वारा, और इसे लॉन्च किया है जो मिजोरम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं सी लाल रिनसंगा। तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में 5 स्टेट में लॉन्च होने वाला है, जिसमें से मिजोरम पहला स्टेट है, बाकी के स्टेट हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड। मिजोरम के इन्हें 2 डिस्ट्रिक्ट में कवर किया गया है इस प्रोजेक्ट को, लंगलेई और मामित, जिसमें कि दंपा टाइगर रिजर्व भी आता है और थोरंग क्लैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। और इस प्रोजेक्ट का एम है जो इंडिया का एग्रीकल्चर है उसको ट्रांसफॉर्म करके नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर ले जाके उससे बेनिफिट प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री रिकंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ 300 ईयर ओल्ड टेम्पल हैज़ बीन स्टार्टेड रिसेंटली विथ इंडियन सपोर्ट। किस देश में हाल ही में भारतीय समर्थन से 300 साल पुराने मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया है? तभी हाल ही में बांग्लादेश में एक मंदिर था 300 साल पुराना, उसका दोबारा से पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ है भारत के समर्थन से, और इस मंदिर का नाम है श्री श्री जॉय काली मातर। श्री श्री जॉय काली मातर, और ये है बांग्लादेश के नतोर ज़िले में। तो जो बांग्लादेश में भारत की हाई कमिश्नर हैं रीवा गांगुली दास, इन्होंने इस इवेंट का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है, और उन्होंने ही बताया है कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए जो MOU था वो 23 अक्टूबर 2016 को साइन कर दिया गया था। बात करें बांग्लादेश की, तो यहाँ की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के मोहम्मद अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड चीफ मिनिस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में केरला की गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम या मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम। तो इस स्कीम को या प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जो भी वहाँ की स्टार्टअप हैं
या स्मॉल बिजनेस हैं या जो नए नए एंटरप्रेन्योर हैं, तो उनके द्वारा मनी को लेके या कैपिटल को लेके क्या क्या उनके पास कमी रहती है, कैसी कैसी उनके पास प्रॉब्लम आती है, क्या क्या वो फेस करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा केरला फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के द्वारा। तो इस प्रोग्राम के अंडर में लगभग 2000 एंटरप्रेन्योर को हर साल देखा जाएगा कि क्या उनको दिक्कतें हैं। उसके अलावा अगले आने वाले 5 सालों तक हर साल लगभग 1000 छोटे और मीडियम वेंचर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे या क्रिएट किए जाएंगे। तो इस तरह से 5 साल में 5000 नए वेंचर क्रिएट हो जाएंगे। और उसके अलावा जो फर्म्स हैं उनको लगभग 10 करोड़ रुपए तक का वर्किंग कैपिटल या लोन दिया जा सकता है। तो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और गवर्नर हैं केरला के आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कंकरेंटली एक्रीडिटेटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू मॉरिटानिया। मॉरिटानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे समवर्ती रूप से मान्यता दी गई है? तभी हाल ही में अंजनी कुमार को मॉरिटानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में समवर्ती रूप से मान्यता दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि जो अंजनी कुमार जी हैं वो रिपब्लिक ऑफ माली में पहले से ही भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हैं और अब उन्हें वहाँ के एम्बेसडर के साथ साथ मॉरिटानिया देश में भी भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया है। तो अब ये दोनों जगह होंगे, माली में भी और मॉरिटानिया में भी। ओके, तो इन्हें माली में भारत के एनवॉय के रूप में पिछले साल के नवंबर के महीने में नियुक्त किया गया था, यानी नवंबर 2019 में नियुक्त किया गया था। तो मॉरिटानिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है नौकाचोट, करेंसी है ओगुया, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है इस्माइल ओल्ड बेद्दे ओल्ड चेक सीडिया और प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद ओल्ड गाजुआनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ करमवीर चक्र अवार्ड फ्रॉम यूएन एंड आइकॉन गो। हाल ही में यूएन और आइकॉन गो द्वारा करमवीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में एक मोटिवेटर हैं जिनका नाम है सुनील यादव एसएस, इनके सम्मान दिया गया है करमवीर चक्र का यूनाइटेड नेशन और आइकॉन गो के द्वारा। ओके, तो यूएन तो आपको सभी को पता है कि यूएन का मतलब है यूनाइटेड नेशंस और आइकॉन गो का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ। ओके, इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओ। तो आइकॉन गो और यूएन द्वारा ये अवार्ड दिया गया है सुनील यादव एसएस को और ये फाउंडर हैं एसएस मोटिवेशन के। ओके, एक चैनल है एसएस मोटिवेशन, उसी के फाउंडर हैं और ये अवार्ड दिया गया है। आईआईटी दिल्ली में एक अभी प्रोग्राम होस्ट हुआ था जिसका नाम था रेक्स कॉनक्लाइव। ओके, रेक्स कॉनक्लाइव, तो इस प्रोग्राम के दौरान उन्हें ये अवार्ड दिया गया और इन्हें अवार्ड दिया क्यों गया है, तो इनका एक टेलीग्राम में चैनल है एसएस मोटिवेशन। ओके, तो ये इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं सोसाइटी के लिए, लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, तो उनके इस काम के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा इन्हें पिछले साल कुछ और अवार्ड भी मिल चुके हैं, जैसे कि राष्ट्र प्रेरणा, आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, इनक्रेडिबल इंडियन आइकन और ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस। ओके, तो ये अवार्ड भी इन्हें मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर हैज़ डेडिकेटेड सेमकॉप्स 3 विंड प्रोजेक्ट विथ 800 मेगावाट टू नेशन। किस मंत्री ने सेमकॉप की 800 मेगावाट वाली 3 पवन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो अभी हाल ही में जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह जी, इन्होंने 3 विंड प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित किया है जिनकी क्षमता है 800 मेगावाट की और इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है सेमकॉप्स के द्वारा। इनका नाम है स्टेट ऑफ द आर्ट सेकी 1, 2 और 3 विंड प्रोजेक्ट्स और इन 800 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स के कम्प्लीशन के साथ ही जो भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो बढ़ के हो गई है 1730 मेगावाट। और बताया जा रहा है कि ये तीनों प्रोजेक्ट अगर एक साथ चलें तो वो इतनी क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करा सकते हैं कि उससे लगभग 600,000 होम्स का आसानी से पावर जो कंजम्पशन है वो पूरा हो सकता है और इससे लगभग हर साल 2 मिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी अवॉइड किया जा सकता है। तो ये मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है, 5 राफेल फाइटर जेट्स बिल्ट बाय डेसॉल्ट एविएशन ऑफ फ्रांस अराइव एट अम्बाला एयरबेस। फ्रांस के डेसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित 5 राफेल फाइटर जेट अम्बाला एयरबेस पर पहुंचे। नेक्स्ट है, जयंता धर्मदासा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका क्रिकेट।
जयंत धर्मदास को श्रीलंका क्रिकेट का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंडियन ओरिजिन ऑथर अवनी दोशीज बर्न्ड शुगर लॉन्ग लिस्टेड फॉर 2020 बुकर प्राइज। भारतीय मूल के लेखक अवनी दोषी की बर्न्ड शुगर 2020 को बुकर पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्ट किया गया है। विरल आचार हैज़ ऑथर्ड द बुक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। विरल आचार ने क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो अब समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी हैज़ बीन इस्टेब्लिश रिसेंटली। हाल ही में किस भारतीय राज्य में वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की गई है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था, विच स्टेट विल होस्ट द फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही आंसर था हरियाणा। तो हरियाणा करेगा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन है उसकी मेजबानी। और ये यूथ गेम्स होंगे 2021 में, ठीक है, 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक्स हो जाएंगे उसके बाद इनका आयोजन होगा। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करिए और आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पर जुड़ें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।